हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कबीर। जनाब, बॉलीवुड ड्रग्स मामले पर बाबा रामदेव बोले, स्वारा स्वर्दा दीपिका को सुबह सुबह शीर्षासन कराओ। जनाब जी हां जनाब, ड्रग्स को लेकर देश भर में घमासान जारी है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर युवा तक नशे की लत के आदि हो चुके हैं। ऐसे में योग गुरु बाबा रामदेव ने एक निजी चैनल में नशे से मुक्ति के उपाय पर खास बातचीत की। उन्होंने अभिनेत्री को योग करने की सलाह देते हुए कहा, बॉलीवुड के यंगस्टर सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण को सुबह सुबह उल्टा लटका दो। नहीं, फांसी पर मत लटकाओ, अपने ही देश के बच्चे हैं, थोड़ा इन पर रहम करो। इन्हें सुबह सुबह उल्टा लटका कर शीर्षासन कराओ। सुबह सुबह जब ये लोग योग करेंगे तो नशा नहीं करेंगे। योग करना जरूरी है जनाब। साथ ही रामदेव ने कहा, यह सोचकर योग करें कि हम कोई एक व्यक्ति नहीं है, हम एक संस्कृति हैं और हम सारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक इंडस्ट्री का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, हम इस देश के संस्कारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, इसलिए ऐसी कोई हरकत ना करें। जिन लोगों ने गलत काम किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वरना और लोग भी इसी रास्ते पर चलेंगे जनाब। साथ ही रामदेव का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने लगभग सभी एक्टर्स को योग सिखाया है, लेकिन ये लोग कभी कभी सेलिब्रेशन के लिए योग करते हैं। बॉलीवुड से हेमा मालिनी रोजाना योग करती हैं, वो आधा घंटा कपाल भारती अनुलोम विलोम करती है और कोई नशा नहीं करती है। अमिताभ बच्चन को भी मैंने योग सिखाया है। साथ ही बाबा रामदेव का दावा है कि योग से लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने रोग मुक्त और नशा मुक्त किया है। अलग अलग तरह के ड्रग एडिक्ट का जीवन योग के जरिए नशा मुक्त किया है। उन्होंने कहा, रोग मुक्ति और नशा मुक्ति एक ही मंत्र है। सुबह सुबह योग कर लेंगे तो शरीर में अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। योग के जरिए अफीम में मौजूद रासायनिक वैल्यू से भी ज़्यादा अच्छे नशे के अंदर से ही पैदा होते हैं, लेकिन इनमें कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए सुबह सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करें, योग करें, प्राणायाम करें, आसन करें जनाब। तो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव ने बॉलीवुड ड्रग्स मामले पर बोला है, सारा श्रद्धा और दीपिका को सुबह सुबह शीर्षासन कराओ जनाब। तो आपकी क्या है राय कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और ऐसी लेटेस्ट खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए जनाब। जय हिंद, जय भारत।